दिस इज सोनिया सोहल फ्रॉम बेस्ट प्राइस रियल्टी और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है एल्सपेजिया, जहाँ पे आपको मिलेंगी सारी फैसिलिटीज जस्ट नियर बाय, लाइक स्कूल, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मेडिकल, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट एंड ऑल। और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 3 and 3+1 BHK। अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं 3+1 BHK सैंपल फ्लैट, सो कम विद मी। अपने आज के सैंपल फ्लैट की मेन एंट्रेंस पे, जहां पे आपको एंट्रेंस पे प्रोवाइड कराया जा रहा है 8 feet long पॉलिश्ड वुडन डोर। इसके साथ ही यहां से एक्सेस रहेगा आपके सर्वेंट रूम के लिए। हाँ, अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं जल्दी से सैंपल फ्लैट के अंदर। एंटर करते ही आपको मिल रहा है यहाँ पे फॉयर एरिया, मतलब देयर इज नो विजिबिलिटी टू योर किचन, डाइनिंग एंड बेडरूम्स, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ये ग्लास विंडो, जहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके फ्लैट की डोरबेल आखिर किसने बजाई। ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। और अगर मैं इस पूरे फ्लैट की डायमेंशन की बात करूँ तो इसका साइज रहेगा 2284 square feet। इसके साथ ही एडजॉइनिंग रहेगा आपका लिविंग एरिया। सो आफ्टर प्लेसिंग दिस 7-seater सोफा सेट वी हैव मोर देन सफिशिएंट स्पेस टू मूव। और यहाँ पे इसके साथ ही आपको प्रोवाइड की जा रहा है एसी डक्टिंग एंड प्रोविजन फॉर द LED। रहेगी आपकी बालकनी एरिया की, जहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये मैश डोर, UPVC टफन ग्लास विंडो जो 90% साउंड प्रूफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है 6 feet वाइड बालकनी विद गुड हाइट ऑफ रेलिंग। यहाँ पे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपनी मॉर्निंग टी, इवनिंग कॉफी और ये पीसफुल ग्रीन व्यू। एक चीज और बताती हूँ आपकी, जो दीवारों पे वॉल पेंट है ये आउटर पेंट, गन पेंट यूज किया गया है, जिसका लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेट 30 to 35 years तक होता है, मतलब आपको घर के बाहर मॉइस्चर की कोई चिंता नहीं होगी। इसके साथ ही एडजॉइनिंग रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एंड ड्रॉइंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूँ तो वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 19 by 21। यहाँ पे ऑलरेडी 6-seater डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है, इसके बाद भी हमारे पास जो स्पेस बचा है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कैबिनेट प्लेस करके यूज किया है। आप भी यहाँ पे मिनी बार बना सकते हैं, क्रॉकरी पैनल रख सकते हैं या अपने तरीके से इसको और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। पूरे फ्लोर पे आपको विट्रीफाइड टाइल्स जो कि 32 by 32 inches रहेंगी वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो आपको यहाँ पे हैंडललेस फुली मॉडलर किचन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे बाकी बिल्डर से हटके थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक पॉइंट तो ये है कि ये किचन काफी स्पेशियस है, सेकेंड कि हैंडललेस है, मतलब आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको इंजरी के कोई चांसेस नहीं होंगे। आपके किचन की जितनी भी एक्सेसरीज रहेंगी वो हैटिक ब्रांड की यूज की गई हैं। सॉफ्ट एजेस रहेंगी आपके अपर एंड लोअर कैबिनेट्स के। इसके साथ आपको प्रोविजन दी जा रही है चिमनी एंड होब की। ड्रॉर्स आपके सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। ये स्पेस रहेगा आपके पैंट्री के लिए जो अगेन काफी स्पेशियस है। इसके साथ ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये आपके रेफ्रिजरेटर के लिए रहेगा। ड्राई एंड वेट सेक्शन यहाँ पे आपको अलग दिया गया है विद डुअल सिंक। इसके साथ प्रोविजन दी जा रही है आपको RO एंड गीजर की। सो यहाँ से एक्सेस रहेगा आपके बालकनी एरिया का। ये बालकनी आपकी कनेक्टेड रहेगी आपके थर्ड बेडरूम के साथ। यहाँ पे आपको शेडेड बालकनी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब रेनी डेज में भी आप आराम से बैठ के यहाँ पे चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। इस
आप एज ए यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं। जो बालकनी आपकी फर्दर कनेक्ट रहेगी आपके सर्वेंट रूम के साथ, जहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। तो इस किचन का एक और प्लस पॉइंट रहेगा और वो ये रहेगा कि यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस रहेगी आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन ताकि आप मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो हियर यू आर गेटिंग दिस ग्लोरियस वॉक-इन क्लोज़ेट वार्डरोब व्हिच इज क्वाइट स्पेशियस। सो स्पेस ही स्पेस है आपके पास, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको स्टोरेज पर्पस में। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, एंट्रेंस पे ही रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में आपको प्रोवाइड की जा रही है एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स, टोटो एंड ग्रोहे ब्रांड की सैनिटरी फिटिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जर्मन बेस्ड ब्रांड है। वैनिटी आपको दी जा रही है फुल लेंथ वॉल टाइल्स के साथ, आपको गीजर की प्रोविजन दी जा रही है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी जा रही है। हाँ, लेकिन जो ये ग्लास की पार्टीशन आप देख रहे हैं ये आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा। So now, if we talk about the area of this huge bedroom, so वो रहेगा 11x15, जहाँ हमारे पास space ही space बच रहा है after placing this king size bed. बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे space को manage किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे already sitting place की गई है, आप भी अपने sittings यहाँ पे place कर सकते हैं ऐसे ही, या इस area में आप अपना study table place कर सकते हैं, study area बना सकते हैं। और मेरे माइंड में एक और आइडिया है, या फिर यहाँ पे और अट्रैक्टिव इसको बनाने के लिए आप शोकेस प्लेस कर सकते हैं। वेल, छोड़ते हैं, आपके माइंड में मुझसे भी ज़्यादा आइडियाज़ होंगे अपने रूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये बात आप पे छोड़ते हैं। और अब हम चलते हैं बैल्कनी एरिया की तरफ। तो ये रहेगा आपका बैल्कनी एरिया। एक चीज़ और, पूरे फ्लैट में आपको टफन विंडो ग्लास एंड मैश डोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बैल्कनी एरिया आपका 6 feet वाइड रहेगा एंड फर्दर कनेक्ट रहेगा आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बिल्डर्स बैल्कनी तो दे देते हैं, लंबी बहुत होती है बट वाइड नहीं होती, तो उसका इतना मज़ा नहीं आता। सो यहाँ पे आपको ये USB मिल रही है कि लॉन्ग होने के साथ साथ आपको 6 feet वाइड बैल्कनी प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो बालकनी है फर्दर कनेक्ट रहेगी हमारे मास्टर बेडरूम के साथ, और इस रूम में आपको प्रोवाइड की जा रही है AC डक्टिंग एंड प्रोविजन फॉर द LED। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की ओर। तो अगर अब बात की जाए इस रूम के साइज की, तो वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 11x15, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, इवन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जहाँ पे ऑलरेडी किंग साइज बेड प्लेस्ड है, काउच प्लेस्ड है, और इसके बाद भी वी हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। एंड हैव यू नोटिस समथिंग, दिस वुडन फ्लोरिंग, जी हाँ, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है किसी भी घर में। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की वुड प्रोवाइड कराई जा रही है एज इट इज। इसके साथ ही अटैच रहेगी आपकी ब्यूटिफुल बैल्कनी। इस रूम में भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है AC डक्टिंग एंड प्रोविजन फॉर द LED। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, जिसका साइज रहेगा अप्रोक्सीमेटली 10x13। इस रूम में आपको खिलखिलाती धूप के लिए एक प्राइवेट बैल्कनी दी जा रही है, तो सनलाइट एंड वेंटिलेशन की आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस रूम में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वार्डरोब्स के लिए। यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है फुल लेंथ वार्डरोब्स विद द स्लाइडिंग डोर। गुड स्पेस है हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज के लिए। शू सेक्शन आपको अलग से प्रोवाइड किया गया है, और आपको यहाँ पे प्रोविजन दी जा रही है LED की एंड AC डक्टिंग की। इसके साथ ही इस रूम का प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इस रूम में एक नहीं दो दो बैल्कनीज हैं। ये बैल्कनी की एक्सेस रहेगी यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये अटैच रहेगी आपके किचन एंड सर्वेंट रूम के साथ। और हियर इज द अटैच वॉशरूम। वॉशरूम आपको एज इट इज ही मिलने वाला है,
बस ये जो पार्टिंग है ग्लास पार्टिंग, ये आपको इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। तो ये वॉशरूम आपका कंबाइंड रहेगा विद द लिविंग एरिया। तो ये था हमारा एल्स्पेसिया का स्टाइलिश एंड स्पेशियस अपार्टमेंट, जिसके वर्चुअल टूर के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ अमेनिटीज की, जिसमें इंक्लूडेड रहेंगे आपकी सिक्योरिटी, लेविश ग्रीन एरिया, स्पैनिश आर्किटेक्चर, कनेक्टिविटी विद द मेजर रोड एंड क्लब हाउस अमेनिटीज। And they are providing you 3D walkthrough, guest rooms, children play area, swimming pool, yoga and meditation place, and best construction. I hope आपको हमारा ये project पसंद आया होगा। Projects related कोई भी query हो तो नीचे दिए गए numbers पे call करें। Video कैसी लगी comment section में जाके हमें जरूर बताएं। और साथ ही हमारा YouTube channel like, subscribe and share करना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारे next video में, तब तक के लिए bye bye.